नमस्कार, ghamasan.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश की जानी मानी प्रसिद्ध ज्योतिषी जाह्नवी सोनी नीमा, और हम उनसे जानेंगे ज्योतिष से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों के बारे में। खासकर अभी हम उनसे बात करेंगे पुलवामा हमले को लेकर, और इसके बाद उनसे बात करेंगे वर्तमान में जो ज्योतिष की जो धारणाएं हैं और जो समाज में जो बातें चलती हैं उनको लेकर आप बताएंगे। श्री कृष्ण हर हर गंगे। मैं अपनी गुरुदेव गंगा जी से संबंधित कुछ बात आपको बताना चाहूँगी। कुछ ज्योतिष से संबंधित मैं कुछ ऐसी बात बताना चाहूँगी पहले, जिससे कुछ आपको ज्योतिष के बारे में पता चले। जैसे ज्योतिष का अगर हम देखें तो नौ ग्रह होते हैं। नौ ग्रह में चांद और सूरज दो ऐसे ग्रह हैं जिसकी जानकारी आप सभी को है कि चांद ठंडा है और सूरज गर्म है। चंद्र अर्थात ठंडा ग्रह और सूर्य अर्थात गर्म ग्रह। हम अगर हमारे देश की जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ पर सूर्य रोज आता है, मतलब यह गर्म है। हम अगर विदेश की बात करते हैं तो वहाँ की जलवायु ठंडी है। जैसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग जलवायु है। अगर हम ठंडे प्रदेशों की बात करते हैं, वेस्टर्न की बात करते हैं, तो साहब हम उधर देखते हैं कि उधर ठंडा है, तो वहाँ का हर वातावरण, वहाँ का परवरिश सब गर्म है। हम गर्म के उसमें बात करते हैं कि वो लोग गर्म तत्व लेते हैं, जैसे मांस मटन लेते हैं और शराब का सेवन करते हैं, मदिरा पान करते हैं, तो वो उनके वहाँ की जलवायु के लिए ज़रूरी है। जैसे वो उनको ज़िंदा रखता है और उनकी जलवायु के लिए वो ज़रूरी है। अभी इससे पहले भी मेरा कुछ इंटरव्यूज़ हुए और मैंने उसमें सभी को, भारतवासियों को, यह बात क्लियर करने की कोशिश की। मैंने अपने ज्योतिष माध्यम से क्लियर करने की कोशिश की कि हमें ये समझना होगा कि भारत की जलवायु गर्म है, हमारे यहाँ रोज सूर्य उगता है, हमारे यहाँ गर्म है। अगर हम गर्म में गर्म करेंगे तो हमारे परिणाम अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि हम पैदा हुए चंद्र से। चंद्र अर्थात जन्म, पानी से हमारी पैदाइश हुई, और मृत्यु अर्थात सूर्य, गर्मी से हम चले जाते हैं। ये सभी को पता है कि चंद्र बोले तो ठंडा ग्रह है। अगर हम देखते हैं कि गर्मी में हमारा फूड खराब हो जाता है तो हम उसको पानी में रखते हैं, पानी से उसकी लाइफ होती है। तो हमारा भारत की जो जलवायु है, जैसे बाहर की कंट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो उन्हें पानी में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठंडा ही मौसम है तो फूड बहुत दिनों तक खराब भी नहीं होता है। पर हमारे भारत की जलवायु ऐसी है कि हमें उसको, उस खाद्य पदार्थ को ज़्यादा दिन चलाने के लिए या किसी भी चीज़ को ज़्यादा चलाने के लिए हमें उसको पानी में रख के आगे बढ़ाना पड़ता है। मतलब वो जीवन जीवन रहता है उसका पानी से। जैसे हमारे यहाँ बोला जाता था कि मृत्यु के वक्त अगर कोई मर रहा है तो भोलेनाथ का जाप किया जाता था, महामृत्युंजय का जाप करके, ठंडे का जाप करके उसकी उम्र को बढ़ाया जाता था। मतलब हमारे यहाँ वो धर्म है कि जहाँ आपकी आयु, मृत्यु अर्थात गर्मी, सूर्य होने जा रही है, आप खत्म होने जा रहे हो, दी एंड का जब बोर्ड लग रहा है, तब एक व्यवस्था थी कि भोलेनाथ के जाप करके आप ठंडा बढ़ाओ और चंद्र में आप जी जाओगे। तो ऐसी हमारी जलवायु है कि जहाँ पर ठंडा तत्व बढ़ता है, हमारे यहाँ परंडा होता है, वेस्टर्न में कोई परंडा नहीं है। आप हमारे यहाँ की जलवायु में देखें कि हमारे यहाँ नदी स्नान का महत्व है, हमारे यहाँ गंगा जी का डुबकी का महत्व है। वेस्टर्न में कोई भी गंगा जी में डुबकी नहीं लगा रहा है। जब वेस्टर्न हमारी कॉपी नहीं कर रहा है तो हम वेस्टर्न की कॉपी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर इसी तरीके से कॉपी करते रहे तो हमारी सब चीज भ्रमित हो जाएगी। अभी एक आपने अभी पिछले दिनों में साहब आपने देखा होगा कि अभी एक वैलेंटाइन डे गया। वैलेंटाइन डे क्या होता है? लाल कलर, सूर्य का रंग लाल है। वेस्टर्न देश में हम देखते हैं कि प्रेम का वो प्रेम वहां पर सूर्य से, क्योंकि वहां ठंडा है, वेस्टर्न पूरा ठंडा है, तो वहाँ गर्म तत्वों को बढ़ाकर रिश्तों को स्थिरता दी जाती है। वहाँ रिश्ते चलते का इसे गर्म से, खाद्य पदार्थ भी गर्म से चलेगा। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ सब चीज़ ठंडे से चलती है। तो हमारे यहाँ लाल से नहीं, सफ़ेद से सब चलेगा, ठंडे से चलेगा, चंद्र ग्रह से चलेगा। ठंडक अर्थात सफ़ेद रंग। हमारे तिरंगे में भी श्वेत रंग है, बुध बोले तो हरा रंग है प्रकृति का, मंगल बोले तो भूमि को कहा गया है, तो तीनों ठंडे ग्रह। तो वेस्टर्न कल्चर को हम अपनाकर वैलेंटाइन डे जरूर बना रहे हैं, पर ये श्वेत फूल से चलना चाहिए। इतना सूर्य बड़ा हुआ रहता है हमारे हिसाब से उस दिन, क्योंकि कपड़े भी आप लाल लाल पहनते हो, यूथ पूरा लाल पहनता है, लाल का आदान प्रदान होता है, तो वो हमारे देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर इसी तरीके से सूर्य बढ़ता रहा तो हमारे देश के जवान
वैलेंटाइन डे आप पुराने से देखिए साहब बिल्कुल सही नहीं रहा, मतलब वैलेंटाइन के दिन हमने हमारे 3 शहीदों को, बड़े शहीदों को खोया, पहले भी अभी भी हमने इतना बड़ा हादसा देखा। तो ये हमारे ग्रह अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये सूर्य के कारण सब हो रहा है। अगर समय रहते हमारे युवा में क्रोध की अधिकता हो रही गर्मी के कारण, हमको ठंडा सब करना पड़ेगा। हमारा जो पूरा कल्चर है वो पूरा वेस्टर्नाइज हो रहा है, मतलब हमारे यहाँ खाना पीना पहनना ओढ़ना सब वेस्टर्न की कॉपी हो रहा है। हमारे हाथ से खाना खाते थे, झोल वाली सब्जियाँ होती थी, गोल गोल पूरी कटोरियाँ सब खाने का होता था, और वेस्टर्न में सब ड्राई चलता है। वो खाना उठाते हैं पिज्जा बर्गर होता है और ड्राई ड्राई खा के, क्योंकि हाथ धोएंगे तो ठंडा लगेगा, तो वहां पर सब ड्राई था। वहां एटीएम क्यों था, बिजनेस घर पर थे, मोबाइल का यूज ना होके सब लैपटॉप पे था, इसलिए व्यवस्था थी कि बाहर बर्फ है तो आप बाहर निकलोगे कैसे। पर हमारे यहाँ का ऐसा कोई कल्चर नहीं था। हमारे यहाँ जेंट्स लोग धोती पहनते थे, हवा जाती थी, ठंडक लगती थी, और महिलाएं साड़ी पहनती थी, और हम पूरी कॉपी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ प्रजनन पे आ रहा है, क्योंकि चंद्र महिला ग्रह स्त्री ग्रह है और सूर्य पुरुष ग्रह, महिलाओं का वाटर लेवल साहब इस कदर डाउन हो गया है कि प्रजनन पर आ गया है, प्रजनन पूरा खत्म हो गया है। और इसी तरीके से अगर स्थिति रही तो पूरी कुदरत को एक बड़ा बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जन्म अर्थात जो चंद्र है ठंडक है उसमें दिक्कत हो जाएगी। वेस्टर्न में कोई दिक्कत नहीं चलेगी प्रजनन की, पर हमारा भारत जो कि गर्म है, हमारे ठंडे से प्रजनन चल रहा है, ठंडे से सब चल रहा है, हमारी समृद्धि खत्म हो गई है। हम उस कलयुग में है कि हर व्यक्ति को कर्जे हो गए हैं। तो समय रहते आप हरिद्वार का महत्व समझे। मैंने अपने स्टूडेंट को, सारे छात्रों को, मेरे 250 स्टूडेंट है, मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, मैं 27 साल से इस लाइन में हूँ और 22 साल से मैं प्रोफेशनल ज्योतिष हूँ, और मेरे 250 स्टूडेंट और 70 ब्रांच है मेरी। बॉम्बे में 2 ब्रांच है, लखनऊ में है, जयपुर में, बड़ौदा में, ऑल ओवर इंडिया में 2 बार इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हो चुकी हूँ। और मैं मेरे स्टूडेंट को 15 अप्रैल 2013 को पढ़ा चुकी थी कि इसी तरह अगर गर्मी चलती रही तो सारे ज्योतिर्लिंग पर आ जाएगा और भोलेनाथ तबाही मचाएंगे, और ये शुरुआत उत्तराखंड से होगी और केदारनाथ में तांडव होगा। और तांडव बिल्कुल हुआ साहब, बहुत हीट वाला समय था, आप लोगों ने प्रकृति जो ठंडी है उस जगह भी जा जाके गर्म कर दिया, उसको दुकानें खोल दी है। आप इसको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमें समय रहते इस ग्रह को समझना पड़ेगा, प्लास्टिक को छोड़ना पड़ेगा, ठंडी चीजों को हमको बढ़ाना पड़ेगा, हमारे खान पीने में हमको ठंडक लानी पड़ेगी। हमें शराब नहीं पीना है, हमें गंगा जल पीना है और समय समय नदियों में डुबकी लगाकर हमारी चीजों को ठीक करना है। हाँ। लाल किताब जो है वो भारतीय संस्कृति या भारतीय जनमानस, सबका अलग अलग, भारतीय जनमानस के अनुरूप नहीं है, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। कुछ लाल किताब के द्वारा कई लोग हैं जो अपना चीजें चला रहे हैं, वो भी ग्रहों के माध्यम से है। और हमारा एक श्वेत थेरेपी किताब है, हम गंगा जी को मानते हैं, हमारी एक श्वेत किताब है जिससे हम पढ़ाते हैं। लाल किताब को भी सर मैं अन्यथा नहीं लूंगी, अगेंस्ट नहीं लूंगी, वो भी एक साहित्य है जिसमें कई व्यवस्थाएं हैं। पर हमारी जो है व्यवस्थाएं और हमारा जो पूरा आकलन है पूरा, वो पूरा श्वेत थेरेपी पर है कि हमारी एक किताब है श्वेत किताब, जिसके द्वारा मैं सभी को पूरा अपना ज्योतिष शास्त्र पढ़ाती हूँ। और उसी से संबंधित मैं आप सबसे अनुरोध कर रही हूँ कि आप समझें और इस बारे में जानकारी रखें, अपने रहन सहन को आप बदलें, आप अपनी चीज़ों को चेंज करें, क्योंकि इसी तरीके से अगर हमारा पहनावा सब वेस्टर्न होता गया तो हमारा जीवन, हमारी जो प्रसिद्धि है, हमारा जीवन, रिश्तों की अस्थिरता है, वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि यूथ के रिश्तों की भी स्थिरता कहाँ चल रही है अभी अभी हम देखते हैं कि सभी की रिश्तों की अस्थिरता चल रही है, आपके रिश्ते छूट रहे हैं, डिवोर्स की स्थिति बन रही है, तो सभी कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं है ना, फैमिली लाइफ अच्छा चल रहा है। अभी आप देखें बाजार की स्थिति दी एंड पे पहुँच रही है, जब भी कुछ एंड होता है, जैसे हम किसी ज्योतिष हैं हम, तो हम किसी की दुकान नहीं चल रही है तो हम उससे संबंधित भी उपाय बताते हैं कि जब खत्म शब्द होता है तो वो सूर्य होता है, अर्थात खत्म हो गया, एंड हो गया, मृत्यु हो गई। तो हम उनके यहाँ गंगा जी का स्वरूप बिठाते हैं, जगह जगह मैं स्वरूप भी बिठा रही हूँ, फिर इंदौर में भी बहुत सारे स्वरूप बिठाए मेरे स्टूडेंट के यहाँ जिनकी ब्रांच अच्छी चलती है, 66 गंगा जी में बिठा चुकी हूँ अभी तक, तो बॉम्बे में बिठाइए, इंदौर में भी 55 लगभग बिठाइए। और जिनके रोजगार नहीं चल रहे हैं या जिनकी दुकान
अच्छी नहीं चल रही है, तो वहाँ भी हम गंगा जी बिठाकर, छोटे से पीतल के स्वरूप बिठाकर, और उनको कहते हैं कि आप आपकी दुकान में जगह जगह कलश रख ले पानी के और ठंडा करें, जितना ठंडा होगा उतना ग्रोथ होगा और उतना ही सब कुछ ठीक होगा। इसी तरीके कई उपाय हैं जो हम करते रहते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस बारे में जानकारी लें और आप अपनी व्यवस्थाएं ठीक करें। यूथ को मैं खासकर कहना चाहूंगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।